good evening children welcome again in my youtube channel gurukul learning academy today we will learn standard 4 ebs part 1 textbook chapter number 14 maps and symbols in this chapter we will see all points what we have learned and then exercise question answers first point identifying man-made and natural elements on a map second our environment has both natural and man-made objects थर्ड स्पेशल सिम्बल्स आर यूज फॉर मेकिंग अ मैप नाउ विल सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए वेर डू मटेरियल्स फॉर मैन मेड आंसर, मटेरियल्स फॉर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस वी विल सी क्वेश्चन बी विच एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट आर नॉट शोन ऑन अ मैप वाई सो आंसर इसका बच्चों मैंने अपने टेक्स्ट बुक में आपके लिए लिखा है ये देखिए so walking people moving vehicles flying birds are not shown on a map because moving objects are not included on a map now we will see question c what do we use to show elements of the environment on a map answer symbols so write children answer symbols we use to show elements on the environment on a map now we will see question d विच ऑफ द मैप शोन बिलो इज कम्प्लीट सो बच्चो आप दो मैप देख सकते हैं दिस इज मैप ए एंड दिस इज मैप बी सो आंसर मैप ए इज कंप्लीट बिकॉज सी बी मैप अगर आप, आप देखोगे तो सो मैप बी इज इनकम्प्लीट एज डायरेक्शन इंडेक्स एंड स्केल इज नॉट शोन सो यहाँ पे तीन चीजें नहीं दिखाई गई हैं सबसे पहले हैं डायरेक्शन देन इंडेक्स एंड देन स्केल सो करेक्ट आंसर इज मैप ए इज कम्प्लीट सो विद दिस चिल्ड्रंस वी हैव डन ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर द सेम लेसन थैंक यू